भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा पकौड़े तलना भी रोजगार माना जाता है। बहुत महीने पहले बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह ने पकौड़े बेचने को भी एक प्रकार का रोजगार बताया था। सरकार के इन बयानों पर विपक्षी पार्टियों ने भी खूब आलोचना की। तब से ही मौजूदा सरकार पर लोगों द्वारा तंज कसा जाता है। वहीं अब इस मामले में कुछ ही दिनों पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अपने विचार पेश किए हैं। उनका मानना है कि पकौड़े बेचने वाले धंधे में कई सारे लोग हैं, जिसके कारण यह व्यापार काफी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, पकौड़े बेचना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस धंधे में काफी सारे लोग हैं जिनकी वजह से उन्हें काफी कम कीमत में इसे बेचना पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये बात का जिक्र नहीं किया कि पकौड़ा बेचना काफी अच्छा रोजगार है। आपको बता दें कि अभिजीत बनर्जी दुनिया भर के उन 108 अर्थशास्त्रियों में शामिल थे जिन्होंने मोदी सरकार पर डेटा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अपील जारी की थी। हालांकि अब वह अपने जवाब में बहुचर्चित पकौड़ा रोजगार पर कोई भी कटाक्ष करने से बचे। इसके आगे जब अभिजीत बनर्जी से पूछा गया कि रोजगार मिले भले ही वह पकौड़ा बेचने वाला क्यों ना हो, इस पर बनर्जी ने अपनी बात रखी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो ने भारत की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। बनर्जी से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि भारतीय सरकार उन्हें अब गंभीरता से लेगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनका काम सभी के साथ है, राज्य सरकारों के साथ काम ज्यादा है, चाहे वह बीजेपी शासित गुजरात राज्य हो या तृणमूल शासित पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने रोजगार के संबंध में एक सवाल के जवाब में बताया था कि उनकी सरकार ने कई सारे युवाओं को लोन दिया है जिसमें वह पकौड़ा बेचने का रोजगार कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से काफी हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को काफी ट्रोल भी किया गया। देखा जाए तो अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने पकौड़े बेचने वाले सरकार के इस बयान से सहमति नहीं जताई है, साथ ही उन्होंने इसे अच्छे रोजगार से जुड़ते हुए नहीं देखा है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।